सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर गेमप्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का आई थिंक एपिसोड नंबर 25 होगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नए एंड जिसने भी गाइस अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, जैसे कि यार आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा जहाँ पे गाइस हम एक बेस बनाने के लिए लोकेशन सर्च कर रहे थे। तो गाइस, मेरे को सबसे बेस्ट लोकेशन लगा था वॉल्केनो। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों ने यार बोला कि वॉल्केनो में बेस मत बनाना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। तो गाइस, मैंने डिसाइड करा जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं वहाँ पर गाइस हम एक काफ़ी अच्छा सा पैलेस टाइप में बेस बनाने वाले हैं। तो गाइज, उसके लिए मेरे को चाहिए होगा एक आरजी जो कि काफ़ी अच्छी हाई लेवल का होगा। तो गाइज, आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो आरजी को टेम करेंगे। तो गाइज, एटलीस्ट मेरे को 150 लेवल तक का आरजी मिल जाए ना, तो लिटरली गाइज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि गाइज, मैं अभी आरजी क्यों टेम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी लेवल भी है नहीं। तो गाइज, मैं यहाँ पर आरजी इसलिए टेम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है गाइज, मैं अगर स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ, अगर मैं वॉल्केनो में स्टोन कलेक्ट करता हूँ ना गाइज, मैं आधा या एक घंटे के अंदर करीब 10 से 12 हज़ार स्टोन्स कलेक्ट कर ले। तो अगर मैं नॉर्मली गाइस इधर उधर से कलेक्ट करूंगा तो वहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा यार टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने डिसाइड करा वॉल्केनो में हम स्टोन फार्म करेंगे अपने आरजे से गाइस, उसे उस स्टोन का अपने मेन बेस में ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइस वो भी दिखाऊंगा कि आरजे यार कैसे टेम कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को चाहिए होंगे आरजे टेम करने के लिए एक ट्रैप बनाना पड़ेगा, जिसको गाइस ट्रैप हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 डायनासोरस गेटवे चाहिए होंगे, एक डोर चाहिए होगा एंड एक गाइस 3 पिलर्स चाहिए होंगे। वो क्या काम आते हैं तो वो गाइस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, मैं ऐसे करता हूँ, अपने के लिए डायनासोरस गेट बना लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मेरे को डायनासोरस के गेट बनाने के लिए स्टोन चाहिए होंगे, वुड चाहिए होंगी, फाइबर चाहिए होंगे एंड थेज चाहिए होंगी। तो गाइज़, यहाँ पे मेरे को चारों की चारों चीज़ चाहिए डायनासोरस गेट बनाने के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हो आप, 280 मेरे को वुड चाहिए, 80 गाइज मेरे को स्टोन्स चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे मेरा जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो गाइज, मुझे लग रहा है यार जो मेरा बैग है ना, वो एक ही गाइज एक ही डायनासोरस के गेट बनाने के सामान से फुल हो जाएगा। तो वो तो गाइज आगे पता चलेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ गाइज, सबसे पहले अपने के लिए एक डायनासोरस गेट बना लेते हैं। तो गाइज, सारे डायनासोरस गेट बनाने का नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गाइज उसको बनाने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो गाइज, यहाँ पे अभी हम मैं कर रहा हूँ स्टोन फार्म एंड वुड फार्म। तो आप देख सकते हो गाइज, जब मैं एक्सेस है वुड फार्म कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे थेज भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिल रहा है, तो जो कि गाइज काफ़ी गजब का है। तो गाइज, एटलीस्ट एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कितना सामान और चाहिए मेरे को। तो गाइज, अभी मेरे को स्टोन वुड एंड फाइबर चाहिए, तो चलिए गाइज वो मैं कलेक्ट करता हूँ पहले। तो इतना गाइज आई थिंक इतना स्टोन सफिशियंट हो गया होगा। तो अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वुड, तो चलिए गाइस मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यार वुड कलेक्ट करता हूँ। तो फाइनली गाइस यार आई थिंक इतना वुड हमारे पास सफिशिएंट हो गया होगा। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, एक बार जाकर चेकआउट कर लेते हैं कि इतने में क्राफ्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फाइनली गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा था, तब तक गाइस आप देख सकते हो मेरे में डिलोफोसोरस ने अटैक कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे को लिटरली अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि डिलोफोसोरस मेरे को कहाँ पे से अटैक कर रहा है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे एक डिलोफोसोरस को मार लिया। तो चलिए गाइस, अब मेरे को चाहिए ओनली वुड एंड फाइबर। तो वुड तो गाइस मैं इजिली कलेक्ट कर लूँगा, तो इसको मारूँ सबसे पहले। ये गाइस लिटरली काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। तो इसको गाइस मैंने ईजिली गाइज इसको मैंने आसमान के पास भेज दिया है, भगवान जी के पास भेज दिया है मतलब। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देख लीजिए, अब मेरा जो बैकपैक है ना गाइज वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फुल हो चुका है। तो अभी तो गाइज मेरी चलने की भी हालत नहीं है, देख सकते हो गाइज कैसा हकता है ये बेचारा, अब क्या बताएं। ओके गाइज, आई थिंक मेरे को अब फाइबर चाहिए। तो चलिए गाइज मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से फाइबर कलेक्ट कर लेता हूँ अपने के लिए। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं डायनासोरस का गेटवे बना सकता हूँ एंड गेट भी बना सकता हूँ। तो देख सकते हो गाइज आप, मेरे को इतना सारा रिसोर्सेज चाहिए एक डायनासोरस को गेट को बनाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं मिलता हूँ जब आप मैं सारे के सारे डायनासोरस गेट्स वगैरह बना लूँगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे 3 डायनासोरस गेटवे एंड 2 डायनासोरस को गेट बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा यार टाइम लग गया था एंड वहाँ पे रात भी हो गई थी। तो गाइज मैंने डिसाइड करा चलो यार अपनी रात को स्टे हम अपने वॉल्केनो वाले बेस में कर लेंगे।
तो गाइस जैसे ही वहाँ पे गया एंड मैंने नाइट काटी एंड जैसे ही गाइस मॉर्निंग हुआ तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ पे आरजे को टेम करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने जो पिलर बनाया है वो एक ही पिलर बनाया है, पर गाइस जब मैं वहाँ पे गया था तब मेरे को पता चला यार वहाँ पे मेरे को 3 पिलर चाहिए होंगे, एक पिलर से काम नहीं बनने वाला। तो चलिए यार फटाफट से ऐसे करते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड गाइस जो आरजे टेम करने की बेस्ट लोकेशन ना आइस वाला सेक्शन क्यों है, क्योंकि गाइस वहाँ पे आपको प्लेन एरिया काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो वहाँ पे आप इजीली इसको टेम कर सकते हो। वैसे गाइस वेल्केनो में भी काफ़ी अच्छे अच्छे हाई लेवल के आरजे रहते हैं, पर गाइस वहाँ पे मैं ट्रैप नहीं बना सकता। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि वेल्केनो एकदम चढ़ाई में 90 डिग्री में रहता है, तो वहाँ पे मैं ट्रैप भी गाइस लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए गाइस मैंने चूज़ करा कि हम आइस वाले सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे आरजे टेम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। जब मैं गाइस पहले खेलता था तो मेरे को गाइस यहीं पे ही इस वाली लोकेशन में काफ़ी अच्छे आरजे मिलते थे, तो मैंने सोचा चलो यार एक बार यहाँ पे चेकआउट करके जाऊँगा। तो यहाँ पे गाइस अगर मेरे को आरजे मिल जाएगा ना काफ़ी अच्छे लेवल का तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे से जा रहा था तो मेरे को गाइस यहाँ पे एक रैक्स दिखा। चलो गाइस यहाँ पे प्राइम मीट का तो यार जुगाड़ हो चुका है, तो अब प्राइम मीट का टेंशन नहीं है। तो गाइस ऑलमोस्ट सब चीज़ का जुगाड़ हो गया, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे आरजे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे को एक आरजे दिखा, तो आप देख सकते हो 140 लेवल का। तो गाइस दूसरे का तो मैं लेवल चेक ही नहीं करूँगा, मेरे को ये पसंद आ गया तो मैं गाइस इसी को टेम करने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस अब मेरे को सबसे पहले अपना ट्रैप को प्लेस करना है। ट्रैप को गाइस कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे कि यार जो हमारा आरजे है ना ट्रैप से बाहर ना निकल पाए। तो एक गाइस मैंने प्लेस कर लिया, ज़्यादा लंबा गैप नहीं रखना है इनके बीच में, अगर ज़्यादा लंबा गैप करा ना गाइस वो बीच से निकल जाएगा। तो फाइनली गाइस आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। तो जी हाँ गाइस, और देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक गैप ज़्यादा हो गया है, बस मैं यार भगवान से प्रे करूँगा कि ये बाहर ना निकले। तो गाइज़ यहाँ पे मैं डायनासोरस गेट नहीं लगाऊँगा, यहाँ पे गाइज़ मैं लगाने वाला हूँ पिलर। तो फाइनली गाइज़ एक पिलर लगा। ओके गाइज़ यहाँ पे मेरे को दो एक पिलर और चाहिए होगा आई थिंक। गाइज़ एक पिलर के लिए मेरे को थोड़े से यार वुड्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए यार मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से अपने के लिए वुड्स थैच एंड फाइबर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी गाइज़ मेरे को चाहिए यहाँ पे थैच एंड वुड एंड फाइबर। तो चलिए यार फटाफट से मैं ऐसे करता हूँ थैच एंड वुड एंड फाइबर्स कलेक्ट करके लाता हूँ, जो कि गाइज मेरे को यहाँ पे इजीली भी मिल जाएगा। ओके गाइज वुड तो मेरे पास आई थिंक सफिशिएंट हो गया होगा, तो पिलर बन गया। तो जी हाँ गाइज अभी मेरे को थोड़ा सा यार वुड और चाहिए, आई थिंक इतने वुड में तो हो ही जाएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पे हमारा जो पिलर है वो एक पिलर क्राफ्ट में लग चुका है। आई होप गाइज वो पिलर ऑलरेडी क्राफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे गाइज फटाफट से चल के देखते हैं कि कितना परसेंट कितना ऊंचाई तक वो पहुंचेगा। ओके गाइज यहाँ पे मेरे को एक पिलर और चाहिए होगा। तो जी हाँ गाइज एक पिलर और चाहिए। तो चलिए मैं दोबारा से यार एक पिलर का जुगाड़ और करके आता हूँ, देखते हैं गाइज कि इतने में मेरा ये कलर बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पे गाइज याला वुड्स तोड़ के तो मेरे को ईजिली यार मिल ही जाएगा उतना सामान जितना मेरे को रिसोर्सेज चाहिए एक पिलर और बनाने के लिए। ओके गाइज यहाँ पे फाइबर नहीं है मेरे में, तो फाइबर यहाँ से मिलेगा लगता। तो गाइज मेरे को ऐसी है कि यहाँ पे से मेरे को ईजिली फाइबर मिल जाएगा। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे आई थिंक मेरे को फाइबर मिल गया होगा। तो चलो फटाफट से यार पिलर को बना लेते हैं एंड वो पिलर गाइज वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो आई थिंक गाइज यहाँ पे मेरे पास अभी सफिशियंट अमाउंट में फाइबर नहीं हुआ है, तो मैं गाइज ऐसे करता हूँ थोड़ा सा और देख लेता हूँ कहीं पे गाइज मेरे को मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलो गाइज यहाँ पे मैंने वुड भी कलेक्ट करने लगा। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही वुड कलेक्ट कर रहा था आई थिंक मेरे को वुल्फ मिलेगा, तो वुल्फ का तो गाइज बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते। तो गाइज मैं वहाँ पे अभी एकदम से क्यों नहीं गया, क्योंकि गाइज अगर उसने मेरे पैटर्न डॉन को देख लिया ना तो लिटरली गाइज मेरे पीछे तो डेफिनेटली पड़ जाएगा। तो गाइज मैं उससे थोड़ा सा यार डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, तो अगर गाइस डिस्टेंस मेंटेन कर रहा तो इजीली यार इसको टेम करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो गाइस फटाफट से मैं ये प्लेस कर लेता हूँ वही वाले पिलर के ऊपर। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आई थिंक हमारा जो ट्रैप है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे मैं एक डायनासोरस का गेट लगा लेता हूँ। अब गाइस इसको इसके अंदर लाने का ट्राई करते हैं एंड देखते हैं गाइस कि अंदर आता है या नहीं आता। तो फाइनली गाइज उसने मेरे को देख लिया और अंदर भी आ गया। तो फटाफट से गाइज मैं क्या करता हूँ डोर क्लोज, ओहो भाग गया गाइज।
वो ट्रैप से निकल चुका है, तो फिर से गाइस घुमा के अंदर लाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं गाइस कि आता है या नहीं आता। जैसे गाइस आएगा फटाफट से मैं ऐसे करूँगा डोर क्लोज कर दूंगा। तो फाइनली गाइस जो हमारा आज है वो यहाँ पे टेम हो चुका है, तो चलो गाइस फटाफट से इसको एरोज मारना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप चीज़ एक देखना कि मैं गाइस कंटिन्यूस इसको वो एरोज नहीं मार रहा था। एक जगह में गाइस मैं रुक गया था जब इसका हेल्थ अराउंड 200 बज गया था। तो गाइस क्योंकि अगर मैं इसको एक एरोज हिट करता तो गाइस ये बेचारा मारा जाता। तो मैं गाइस यहाँ पे इसका ट्रॉपस लेवल चेकआउट करने लगा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो गाइस जो इसको ट्रॉपस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो देखते हैं गाइस कि ये कहाँ तक पहुँचता है। मे बी गाइस यहाँ पे ये अनकॉन्शियस हो जाए। तो गाइस आ गया, ये रहा। तो अभी गाइस 350 हेल्थ है इसका, तो आई थिंक मेरे को एक एरोज और मारना पड़ेगा। तो चलिए यार एक एरोज तो मारना बनता ही है। एंड यहाँ पे गाइस जो हेल्थ है ना इसकी 358 है। तो मेरे को गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यार डर लगने लगा था, अगर इसको मैं एरोज मार देता तो डेफिनेटली गाइस ये जाने वाला था, ये अपने हाथ नहीं लगता। फिर मैंने गाइस ये चीज़ डिसाइड कर यार थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, एंड इसका गाइस थोड़ा सा हेल्थ जो है ना वो अराउंड 400 के करीब पहुँच जाए तो मैं इसमें तब एक एरोज मारूंगा। तो मैंने गाइस यहाँ पे रिस्क लेना ही बेटर समझा। चलो देखते हैं गाइस ये अनकॉन्शियस होता है या नहीं होता। तो फाइनली गाइस एक एरो मारेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके गाइस यहाँ पे फाइनली यह जो हमारा आरजे है वो अनकॉन्शियस हो चुका है। तो फाइनली गाइस चलो आरजे तो हमारा जो है वो अनकॉन्शियस हो गया है। तो मैं ऐसे करता हूँ गाइस यहाँ पे नारकोटिक्स इसकी इन्वेंट्री में डाल देंगे, नारकोटिक्स खिलाना स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे गाइस जो हमारा वो था ना क्या बोलते हैं हमें गाइस रैक्स मिला था, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार वहाँ पे से हम थोड़ा सा प्राइम मीट लेके आ जाते हैं। 3-4 गाइस प्राइम मीट मिल जाएगा तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से यार रैक्स को मार के आते हैं एंड देखते हैं कि हमें प्राइम मीट कितना मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं पहुँचा एंड मेरे को गाइस रैक्स भी दिख चुका है जो कि गाइस एनकी से पंगा ले रहा है। तो देखते हैं गाइस कि एनकी इसको मार पाता है या नहीं मार पाता। तो सबसे पहले गाइस मैं अभी इनको छेड़ूंगा नहीं, इनको गाइस फाइट करा देता हूं। जैसे बोलते हैं ना जंगल का रूल है कि अगर जंगली जानवर एक दूसरे को मार रहे हैं तो बीच में गाइस इंसान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये आपस में अभी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, कटने दो। तो जैसे गाइस अगर एनकी इसको मार भी देता है तो वो कौन से एनकी गाइस इसको फार्म करेगा। एनकी तो गाइस इसको वैसे ही छोड़ के चले जाएगा, तो मैंने बेटर समझा कि अभी इसको मारेंगे नहीं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर बैठा, ओके गाइस यहाँ पर ये मेरे में अटैक करने आ गया है। तो फटाफट से गाइस देखते हैं इसको मार पाता हूँ या नहीं मार पाता। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे से गाइस उस दिन से ना स्वाद ढंग से चल नहीं रही है। तो देख सकते हो गाइस जो मेरा हेल्थ है ना वो ऑलमोस्ट या 30% रह चुका है। तो गाइस मार पे फाइनली गाइस यहाँ पे मर चुका है। एंड इसको गाइस हार्वेस्ट किससे करें, एक्स से करें? नहीं गाइस ऐसे करते हैं एक बार हम पिकैक्स से करेंगे, देखते हैं कि कितना प्राइम मीट मिला है मेरे को। तो गाइस यहाँ पे आई थिंक मेरे को जो प्राइम मीट मिला है वो ओनली 2 मिला है, इतने से गाइस कुछ होने वाला नहीं है, क्या करें गाइस। तो चलो यार मैं ऐसे करता हूँ अपने पेट्रेडोडॉन को रिक्वेस्ट करता हूँ एंड देखते हैं गाइस कि वो कहाँ पे तक आता है। और यहाँ पे गाइस एक मैमथ से लड़ रहा है वुल्फ, तो अभी गाइस वुल्फ से पंगा नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है यार। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ एंड चलो गाइस अपना 10x बैंक जो है इसे खिला दें। तो ऐसे करते हैं गाइस जो हमें आ रहा है पास 10x पाया है ना वो इसको इन्वेंट्री में डाल के इसको फीट करा लेते हैं एंड देखते हैं गाइस कि कितना परसेंट एम होगा। पर गाइस यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, साथ पहले गाइस प्राइम मीट दे दिया एंड उसके बाद 10x बम खिलाया जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत था, लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा गलत था। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिसाइड करा तो ऐसे करता हूँ जो इसका फूड लेवल है ना वो पहले डिक्रीज होने देंगे, थोड़ा सा गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह कर लेता हूँ, तब गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड क्योंकि गाइस वो तब जल्दी जल्दी टेम होगा। तो गाइस मैंने क्या करा, इसकी इन्वेंटरी में जितना भी फूड था वो सारा का सारा निकाल दिया। एंड यहाँ पे गाइस मैं अपने पैटर्न डॉन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि पता नहीं गाइस कहाँ पे मार काट कर रहा है, ये लिटरली गाइस पता नहीं है मेरे को। तो मैंने गाइस यहाँ पे डिसाइड करा कि इनके इन्वेंटरी से ना फूड ही निकाल देता हूँ मैं। पर गाइस यहाँ पे फूड निकालने से पहले गाइस सबसे पहले मैं अपने जो उस वो है ना इसको सेव कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिसाइड करा कि स्पाइक लगा के कि एटलीस्ट यार वुल्फ जो है हमारे आरजे को मार ना पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं ऑलरेडी यार स्पाइक्स वगैरह लगाने लगा हूँ क्योंकि अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा यार वुल्फ्स हैं। तो वुल्फ से तो गाइस लिटरली अगर वुल्फ का झुंड आ गया तो मेरे आरजे ख़त्म। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप अगर आइस वाले सेक्शन में
आरजे को टीम कर रहे हो तो गाइज एटलीस्ट इसको आरजे को ना ये जो आपका स्पाइक से उससे ढक लेना। तो ऐसे करते हैं गाइज फटाफट से मैं इसको फूड डाल दूँ इसकी इन्वेंट्री में। तो अभी गाइज मेरे को थोड़ा सा यार वुड और चाहिए क्योंकि मेरे को एक दो स्पाइक्स और बनानी है। तो चलिए गाइज जैसे मैं यहाँ पे गया एंड मेरे को गाइज यहाँ पे दोबारा से क्या दिखता है एक रैक्स। पर गाइज यहाँ पे मैं अभी रैक्स से लिटरली पंगा नहीं लेना चाहता। तो देख सकते हो गाइज एनकी ने यहाँ पे दो वुल्फ्स को मारा है। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में मन करा यार हार्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। तो अभी मेरे को जो चीज़ फाइबर की ज़रूरत है वो मैं कलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद गाइज हम चलेंगे सीधा पूरा को क्लोज कर लेंगे ना। तो फाइनली गाइज चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब वुड वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज वहाँ पे रैक्स का मैं अपने आप को थोड़ा सा भी गाइज रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर रैक्स ने मार दिया तो गाइज मैं तो गया। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरे को एक स्पाइक्स गेट की ज़रूरत थी। तो फाइनली गाइज एक स्पाइक्स बना लिया मैंने। तो चलो यार फटाफट से अपने आरजी के पास चलते हैं एंड देखते हैं गाइज कि वो कितना परसेंट टीम हुआ है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ एंड ये आला गाइज मैं स्पाइक्स लगाऊंगा कहाँ पे। तो गाइज मैं सोच रहा था कि पहले उस वाले डायरेक्शन में लगाऊं, फिर गाइज मैंने डिसाइड करा कि सबसे पहले यार याला जो मेन डायरेक्शन है ना उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके गाइज यहाँ पे कर लेते हैं प्लेस इसको। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया है। तो चलो गाइज यार अभी जो मेरा आरजे आई थिंक उसका फूड लेवल यार काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो चलो यार फटाफट से चेकआउट करते हैं एंड उसकी इन्वेंट्री में हम ऐसे करेंगे फूड वगैरह डालेंगे। तो देखते हैं गाइज कि कितना परसेंट वो कितने जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है। तो अभी गाइज मेरे पास नॉर्मल मीट है, ओनली प्राइम मीट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि जो मैंने वो दूसरा रैक्स मारा था ना गाइज उससे भी मेरे को प्राइम मीट लिटरली कुछ नहीं मिला। तो गाइज यहाँ पे अराउंड कितना परसेंट टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा परसेंट टीम हो चुका है। पर गाइज यहाँ पे जो उसका फूड लेवल था वो ऑलमोस्ट आई थिंक फुल हो गया है। तो मैंने डिसाइड करा चलो एक और मेरे को रैक्स मिला उसको मार के आते हैं एंड उससे गाइज मेरे को अगर 3-4 प्राइम मीट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा यार हेल्प हो जाएगा मेरे आरजे को टीम करने में। तो चलो यार फटाफट से देखते हैं कि इसको मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे 800 हेल्थ है इसका, तो चले गाइज बहुत ज़्यादा ईजी है इसको मारना। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं एंड मैं इसको मार के आता हूँ। तो गाइज यहाँ पे रैक्स जो है उसका धुआं निकाल रहा है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने रैक्स को मार लिया। तो गाइज उस टाइम मैंने एक्स से हार्वेस्ट करा था, तो गाइज इस बार मैं पिकैक्स से हार्वेस्ट करता हूँ। देखते हैं गाइज कि यहाँ पे हमें एक्स से ज़्यादा मिलता है कि पिकैक्स से प्राइम मीट ज़्यादा मिलता है। तो गाइज लॉल स्कैम, यहाँ पे भी गाइज लिटरली मेरे को बिल्कुल भी प्राइम मीट नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से यार अपने बेस ट्रैप वाले एरिया में चलते हैं एंड देखते हैं गाइज कि हमारा आरजे टीम हुआ या नहीं हुआ एंड हुआ है तो कितना हुआ है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ओके गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 93% होने वाला है। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं चेकआउट कर लेते हैं। ओके गाइज यहाँ पे 78% टीम हुआ है, थोड़ा सा रह गया गाइज थोड़ा सा। तो चलिए गाइस ऐसे करते हैं हम सीधा निकलते हैं जब यहाँ पे हमारा जो आरजे है वो ऑलमोस्ट टेम होने वाला था। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा आरजे को टेम होने में अराउंड 10 से 15 सेकंड लगेंगे एंड देखते हैं गाइस कि कितना लेवल हमें एक्सपी गेन मिलता है इसमें। 140 लेवल का है आई थिंक, यस 50 या 60 लेवल प्लस तो मिलना चाहिए। अगर इतना लेवल प्लस नहीं मिलेगा तो लिटरली गाइज हमारा टीम करना बेकार ही निकलेगा। तो देखते हैं गाइज कि कितना लेवल हमें प्लस मिलता है। तो मैंने गाइज यहाँ पे गेट ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो जैसे ही गाइज ये टीम होगा तो इसको दोबारा से गाइज हम सीधा से निकालेंगे यहाँ पे से बाहर। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा आज है वो टीम हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा 140 लेवल का था, तो अब गाइज आप मेरे आरजे का जो लेवल देख सकते हो 209 लेवल का। तो लिटरली गाइज काफ़ी मज़ा आ गया इसको टीम करने में। तो चलिए यार गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। पर भाई लोगों एक चीज़ बोलना तो मैं भूल ही गया यार, अपने नए फैमिली मेम्बर का नाम तो सजेस्ट करो, क्या नाम रखें गाइस? तो कमेंट सेक्शन में यार
न्यू फैमिली का मेंबर का नाम जरूर सजेस्ट करना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो गाइज मैं ये जो आरजे उसको लेके जा रहा हूँ अपने वॉल्केनो वाले बेस में, एंड उस वाले बेस से गाइज जितना भी हमारे पास आयरन है तो उसे हम शिफ्ट कर देंगे अपने मेन बेस में। तो चले गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट।